सो दिस इज द न्यू बिगनिंग और शुरुआत है काफी सारी बड़ी चीजों की ओके हेलो चैटर्स नेम इज रोहित एंड रेसल चैटर तो वेलकम है आपका इस चैनल के ऊपर रोज ही आते हो लेकिन आज नए तरीके से रेसल चैटर जैसे मैंने कहा था पूरा मैं आपको रीपैकेज करके लेके आऊंगा कुछ नई तरीके की चीजें दिखाने के लिए तो वो चीज आज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कर दी है और दिस इज नॉट अ न्यूज वीडियो दिस इज नॉट अ अपडेट वीडियो दिस इज वॉइस ऑफ रेसलिंग आज से चैनल पर काफी सारी चीजें चेंज है कंटेंट ज्यादा है सिर्फ न्यूज़ वीडियो नहीं होंगी चैनल के ऊपर अलग अलग वैरायटी में जैसा आप लोगों ने मेरे से एक्सपेक्ट किया होगा आने वाले टाइम में वो सब आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा और हाँ आज भी चैनल पर ठीक साढ़े बारह बजे एक सेकंड वीडियो और आएगी जो बहुत डिफरेंट है आप लोगों के लिए तो उसके लिए भी आप लोग स्टे ट्यून रहना चैनल के ऊपर बट अब चैनल पर सारी चीज़ें डिफरेंट है आपको कॉन्टेंट देखने में काफ़ी मज़ा आएगा सबसे पहले स्टोरी की तरफ गायज हम लोग चलते हैं और ये जुड़ी है ऑस्टिन थेरी से जैसे हमने रिसेंट में देखा है कि ऑस्टिन थेरी का जो कैरेक्टर है उसके अंदर डब्ल्यू डब्ल्यू ने चेंज कर दिए

सीरियस है भी अभी उनका जो इशू है वो सॉल्व हुआ नहीं है बट धीरे धीरे उनके साथ भी चीजें बढ़िया हो जाएंगी नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं और भाई ये क्या किया है डब्ल्यू वालों ने और ऐसे सेगमेंट दिखा के बिल्कुल मजा ही आ जाता है डब्ल्यू डब्ल्यू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वीडियो रिलीज किया है जहां पर थैंक्स गिविंग के स्पेशल मौके पर जो रिया रिप्ली और डोमिनिक हैं वो रे मिस्ट्रियो यानी डोमिनिक मिस्टरों के घर जा रहे हैं कहते हैं कि चलो पार्टी करते हैं सेलिब्रेट करते हैं लेकिन क्योंकि डोमिनिक मिस्टरों के कांड ऐसे हैं कि उनको घर पे अलाउ नहीं हो, होता पहले उनकी मम्मी आती है और मम्मी ने आकर रोकने की कोशिश की लेकिन डोमिनिक रुके नहीं उसके बाद मिस्ट्रियो आते हैं मिस्ट्रियो ने आकर रोका और डोमिनिक ने अंदर जाके उनको बजा दिया बुरी तरीके से बजा और वो जो घसीट के उनको लेके गए और उसके बाद जो उनको मारा है ये तो बिल्कुल अलग ही रेवल पर स्टोर लाइन डब्ल्यू डब्ल्यू लेके चली गई है मतलब पर्सनल वाली फैमिली में होने वाली स्टोरलाइन हमको यूजुअली इतनी ज्यादा नहीं दिखती डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर क्योंकि ऐसी चीजें तो मान लिए रेयर होता है लेकिन इस चीज को जितनी आसानी से डब्ल्यू डब्ल्यू ने नेल करके रखा हुआ है बहुत ज़्यादा एक कमाल की बात है मतलब इसको देखने में बहुत मजा आ रहा है अब रिया रिपली ने बिगाड़ दिया डॉनिंग मिस्टर को इस बात में कोई भी शक नहीं है और मैं आगे काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये अब इस, इस स्टोरी लाइन के अंदर क्या चीजें करते हैं क्योंकि ये सिर्फ रेसलिंग की बात नहीं है ये जो स्टोरी टेल कर रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग लेवल के ऊपर है मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि दो हज़ार में भी ऐसी स्टोरी लाइन मिल सकती है हमको फैमिली वाली अगली स्टोरी की तरफ गाय हम लोग चलते हैं तो बियांका बिलियर के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपको बताने के लिए सुपरस्टार से पूछा जाता है कि तुम्हारी कुछ अलग चीज़ के बारे में जो तुम बताना चाहो तो बियांका ब्लेयर ने यह कहा कि मैं अपने कपड़े अपने रिंग ईयर खुद सिलती हूं मतलब आपने बियांका ब्लेयर को जो भी कपड़े पहने हुए देखा होगा ना वो उनके खुद के सिले हुए हैं और ऐसा वो क्यों करती है क्योंकि उनको सिलने में मज़ा आता है उन्होंने ये कहा कि जब मैं सिलाई करती हूँ तो मैं थोड़ा अपने आप अप, अपने आपको कंफर्ट जोन में लेके आती हूँ अगर मैं मैच से पहले नर्वस भी हूँ ये तरीका था उनका बताने का मैं खुद कपड़े सिलती हूँ और वैसे भी काफ़ी सारे माल फंक्शन हो जाते हैं कपड़ों के साथ में तो ये भी रीजन है कि मैं जो अपने कपड़े वगैरह खुद सिल लेती हूँ और मैच जब मेरा होता है ना तो उससे एक रात पहले मैं पिज्जा वगैरह भी खा लेती हूँ तो ये बियांका ब्लेर ने कहा कुछ बड़ी वियर

कि सीएम पंक की जो सिचुएशन है एडब्ल्यू के साथ अभी वो क्लियर नहीं हुई है अगर वो क्लियर हो जाती है क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा खरीद लिया था टोनी खान ने सीएम पंक और उसके बाद उनको निकाल दिया था तो अगर ये वाली सिचुएशन अब क्लियर हो गई है सीएम पंक अलाव हो जाते हैं लड़ने के लिए तो फिर सीएम पंक एंड स्टोन कोल्ड वेरी मच पॉसिबल है रेसिंग में थर्टी के लिए और स्टोन कोल्ड स्टीव वॉच ने ऑलरेडी अग्री कर दिया है कि हाँ वो रेसलिंग मैच के लिए आना चाहेंगे कंपनी के अंदर तो इस तरीके से अगर ऐसा कुछ मैच डब्ल्यू बना रही है तो ये अलग लेवल पे होगा वैसे डब्ल्यू डब्ल्यू टू के थर्टीन पे एक एक प्रमोशन वीडियो भी है जहां पे इनके बीच में टेंशन भी दिख रही है तो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हाँ उस समय से डब्ल्यू ने जो है मैच करने की शुरुआत कर दी थी और शायद फिर इस वैसे चीज जो है हो सकती है तो देखते हैं आप आगे जाके क्या डब्ल्यू डब्लू इस वाले आइडिया और प्लान के साथ जाती है लाफ्टर ऑफ द लैडर नया सेगमेंट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों के सामने कुछ आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के अंदर फनी चीज़ें दिखाने के लिए भी सबसे पहले आप लोग इस पिक्चर को देखो जो कि एक तरफ गुंथर जो है रेम स्ट्रीजो को ड्रॉप किक मार रहे हैं आ, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप किक शॉर्ट गन केक हाँ शॉर्ट गन केक यहाँ पर मार रहे हैं और दूसरी पिक्चर के अंदर रेम स्ट्रीजो को घसीटा जा रहा है डोमिनिक की तरफ से और ये वही है जो आज थैंक्स पर डोमिनिक ने किया रेम स्टूजो के साथ में और कैप्शन पढ़ो भाई रे मिस्ट्रीओ ने जब रे uh, मिस्ट्रीओ कह रहे हैं हंटर से प्लीज हंटर मूव मी टू स्मैकडाउन इट विल मेक माय लाइफ इजीियर बट स्मैकडाउन पे मूव होने के बाद क्या हुआ रे मिस्ट्रीओ के साथ वो इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है और लिटरली जब आप इसको देखोगे ना जिस तरीके से मिस्ट्रीओ को घसीटा जा रहा है uh, पहले बात तो बेटा से कर कह सकता है और ये विजुअली बहुत ज्यादा फनी है और हाँ अगर आप इस सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप लोग मुझे ट्विटर के ऊपर फनी फनी चीजें टैग कर सकते हो तो हमारा लाफ्टर ऑफ द लैडर के सेगमेंट के अंदर एक फनी चीज भी हो जाएगी आप लोग भी हो जाएगा और एक तरीका हो सकता है आपका इस चैनल के ऊपर फीचर होगा रेसन बीना थर्टी के लिए एक टैग टी मैच को लेकर भी डब्ल्यू सीरियस है और ये कुछ तगड़ी वाली चीज है डब्ल्यू डब्ल्यू की जो चैंपियनशिप है वो डिफेंड करवा सकती है अगेंस्ट कैविन ओवंस एंड सेमीजेन एट रेसिलिय थर्टी नाइन आपको पता है ये जो पूरा ब्लड लाइन वाला एंगल है इसको WWE बहुत ज्यादा हाइप करके दिखा रही है अभी टर्न होगा Zayn के ऊपर टर्न किया जाएगा ब्लड लाइन का उसके लिए जो फैंस है वो एक्साइटेड हैं तो पॉसिबली WWE WrestleMania 39 में इसी आइडिया के साथ जा रही है कि Kevin Owens and Sami Zayn सेम पेज के ऊपर होंगे और उसके बाद ये जाएंगे अगेंस्ट दी ऊसोस फॉर अनडिस्प्यूटेड टैक टीम चैंपियनशिप मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया मैच का आइडिया है क्योंकि के हिसाब से पर सब कुछ बढ़िया वाला बन जाएगा और बस यही है कि स्टोरी अच्छी दे दें और जिस लेवल अभी ब्लड लाइन काम कर रही है केविन जेन का भाई अलग ही सैवेज कैरेक्टर है सैमी जेन तो अलग ही लेवल पर चल रहे तो आई थिंक ये को बड़े बना सकते हैं सिर्फ इनिशियल प्लान्स हैं कुछ मुझे पता चलेगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ और भी शेयर कर दूंगा का अब तक uh, के सामने कोडी रोड्स का रिटर्न नहीं हुआ है अब तक हमको पता है कि इनका जो है एक और अभी मैच होना बाकी है लेकिन गाइस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये हंड्रेड परसेंट कंफर्म है कि रोड्स जब अपनी इंजरीज कोडी रोड्स जब अपनी इंजरी से आ जाएंगे तो उसके बाद उनके शिकार सेथ रॉलिन्स होने वाले हैं सेथ रॉलिश और कोडी रोड्स को लेकर का मैच करवाने का प्लान है अब इससे मेरे दिमाग में एक चीज ये आती है कि अगर कोडी रोड्स रॉयल रंबल पे रिटर्न कर रहे हैं तो क्या फिर वो रॉयल रंबल नहीं जीतेंगे पहले उनको सेथरॉलिन से अपना जो बदला है वो पूरा करना है क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर शायद डब्ल्यू डब्ल्यू का एक वे हो सकता है कोडी रोड्स को रॉयल रंबल ना जिताने का मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि डब्ल्यू डब्ल्यू का एक वे हो सकता है कोडी रोड्स को रॉयल रंबल ना जिताने क्योंकि हो सकता है डब्ल्यू डब्ल्यू ने उस स्पॉट के लिए किसी डिफरेंट सुपरस्टार को रखा हो तो फिर वो कोडी रोड्स को सेथ्रॉलिन के साथ बिजी कर देंगे इनकी अलग स्टोरेंट चलती रहेगी और आपको एक डिफरेंट विनर रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल जाएगा अभी ये भी कोई कन्फर्म नहीं है कि हाँ कोडी रोड्स को जीतना है लेकिन चांसेस

लेकिन गाइज अब जो नाम सामने आया है ब्रॉक लेसनर को लेकर आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम मैच है और ये मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर के बीच में तो ये मैच डब्ल्यू डब्ल्यू लेसन में थर्टी नाइन के लिए डिस्कस कर रही है इस समय अभी ये नहीं पता कि मैं चैंपियनशिप के लिए होगा या फिर नहीं एंड ऑब्वियसली इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या ब्रॉक लेसनर नहीं क्या गंथर के पास से चैंपियनशिप जाती है या फिर नहीं लेकिन अगर डब्ल्यू इस बड़े लेवल के प्रोग्राम के लिए ब्रॉक लेसर के सामने लड़वाने के लिए उनको सोचिए तो फिर मुझे यहाँ पर कोई सेंस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर क्यों डब्ल्यूडबू गंथर से पहले चैंपियनशिप लेगी और उसके बाद ब्रॉक लाइसेंस लड़वाई क्योंकि फिर जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा गंथर तो अभी ये सिर्फ इनिशियल रिपोर्ट्स हैं अभी देखते हैं आगे चल के क्या इस चीज को लेकर डब्ल्यू डब्ल्यू प्लान कर रही है और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा रोमन रेंज ने रिसेंटली कॉमेंट किया कि कैसे उनको किसी भी टाइम पे तुम रख दो फोर्टीज फिफ्टीज सिक्सटीज से नाइन्टीज के अंदर मैं जो है कमाल करके दिखाऊंगा वो ये कहते हैं कि तुम किसी भी बड़े बड़े बंदों का नाम ले लो उस टाइम पर वो क्या मेरे टाइम में आके 2022 में इस मॉडर्न एरा का बर्डन झेल सकता है जो आज के फैंस उनको क्या वो झेल सकता है ये काम सिर्फ मैं करके दिखा सकता हूं और इसी वजह से वो अपने आप को ग्रेटेस्ट कहते हैं और फिर वो ये भी कहते हैं कि जो बंदे ये कह रहे हैं ना कि रोमन रेंस फाइव स्टार मैचेस नहीं दे सकता भाई तुमको फाइव स्टार मैचेस चाहिए क्यों ऐसा रोमन रेन्स का कहना था क्या तुमको अच्छा रेसलिंग मूव देख के तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो क्या तुम इमोशनल हो सकते हो क्या तुम खुश हो सकते हो तुम उदास हो सकते हो मैं अपनी स्टोरी लाइन से वो चीज कर सकता हूं और एज लॉन्ग एज मैं ये चीज कर रहा हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फाइव स्टार मैचेस दे रहा हूं या फिर नहीं और तुम ये जो होगन वगैरह ये जिन जिन बड़े बड़े लोग हैं ना ये जो अपने एरा में कमाल कर चुके हैं इनके इस टाइम पर ला दिखाओ इनके बस की कुछ नहीं है ऐसा रोमन रेंस का कहना था जिस लेवल पर वो ऑपरेट कर रहे हैं उस लेवल पर कोई भी ऑपरेट नहीं कर सकता और इसलिए रोमन रेंस अपने आपको कराएं

और ये ब्रॉलिंग बुट्स वाली टीम के लिए और इसका मतलब कि रोमन रेंज भी कल शो के ऊपर होंगे तो एक्साइटमेंट काफी ज़्यादा है एंड आई होप आपने आज इस वीडियो को डिफरेंट तरीके से इंजॉय किया होगा वॉइस ऑफ रेसलिंग के पहले एपिसोड को एंड यस yes, साढ़े बारह बजे चैनल पर एक और वीडियो आ रही है तो उसके लिए रहना ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गैज इन माई नेक्स्ट वीडियो